प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल से पहले राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वह 31 दिसंबर की शाम 7:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि इस संबोधन में पीएम देश की जनता का धन्यवाद करेंगे, साथ ही इन 50 दिनों में सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, 500 और 1000 के कितने नोट खजाने में आए, इन तमाम सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि इस दौरान पीएम कई बड़े ऐलान भी कर सकते हैं, जैसे कि पीएमओ ने एग्रीकल्चर और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से किसानों के कर्ज की ताजा स्थिति और उज्ज्वला योजना पर रिपोर्ट मांगी थी। इससे संकेत मिले हैं कि इन दो सेक्टर्स में भी राहत की बड़ी घोषणा की जा सकती है। किसानों के कर्ज माफी से जुड़ा कोई ऐलान किया जा सकता है। उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र सरकार एलपीजी कनेक्शन के साथ साथ अगले 2 साल तक फ्री गैस देने की घोषणा भी कर सकती है। नोटबंदी के रिटर्न गिफ्ट के रूप में 1 करोड़ छात्रों को स्कॉलरशिप की पेशकश की जा सकती है। इसके अलावा सस्ते घर बनाने के लिए मुफ्त राशि के साथ ब्याज रहित लोन की संभावना पर भी विचार किया जा सकता है। तो पीएम मोदी राष्ट्र के नाम अपने दूसरे टीवी संबोधन में क्या बोलेंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। आपको बता दें कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने नोटों को बंद करने का ऐलान किया था और 30 दिसंबर तक पुराने नोट बैंक्स में बदलने का वक्त दिया था। देखते रहिए डीबी लाइव।